कल बड़ारा के प्रखंड के जो पश्चिमी गुंडी पंचायत की मुखिया है अमरावती देवी, उनके पति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप भी एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, बताओ मुखिया प्रतिनिधि क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है। इसलिए दुखद घटना है कि जब से ही प्रतिनिधि जीते हैं उनको कोई भी अपराधी टारगेट बना रहे हैं, हमेशा का हमेशा के लिए अपना, चाहे मुखिया प्रतिनिधि हो चाहे मुखिया हो, इन लोग का भी प्रशासन भी हेल्प नहीं कर रहा है। प्रशासन के कम से कम सरकार को भी लेना चाहिए अपने, कम से कम की हर एक प्रतिनिधि के, चाहे मुखिया हो, उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, नहीं तो आर्म्स के लाइसेंस देना चाहिए। ये आवश्यकता जरूरी है, नहीं तो दिन पर दिन अपराध बढ़ रही है, हर का मन बदल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन को खुली छूट देना चाहिए और जो अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, इसके लिए प्रशासन को पूरी तरह से छूट दिया जाए? प्रशासन को देखिए, कुछ पॉलिटिशियन होता है अपना सरकार में, कोई के सरकार होता है, विपक्ष पक्ष दोनों होता है। अब उसमें प्रशासन क्या करे, प्रशासन कभी होता है पक्ष के मतलब से होता है तो कोई विपक्ष उस पर आँच उठाने लगते हैं, नहीं तो अपराधी, तो घटना होती है तो अपराधी वहाँ पर पुलिस जाती है, पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई की है, कोई घटना स्थल पर धारा जाता है, कोई चासीसी कमरा में देखते हैं, उसको संगीन अपराध माना जाता है। लेकिन जिस तरह इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, लाइव मर्डर हो रहा है और उसमें दिखाया गया, जब एक जनप्रतिनिधि या उसका परिवार ही सुरक्षित नहीं है, वैसे में आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? देखिए, इसमें तो एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को। देखिए प्रशासन का एक्शन ले रहे हैं, बहुत दुखद घटना है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि अपराधी का मनोबल इतना बड़ा था कि एक पुलिसकर्मी पर ही गोली चला दी गई, लूट का जो प्रयास किया गया अपराधियों के द्वारा उसमें, और पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। देखिए उस घटना में तो प्रशासन तो ठीक है, बहुत बढ़िया किया, ऑन स्पॉट उनको पकड़ा गया, जब गोली चलाया उस ऐसे अपराधी को, जब लुटेरा है लूट रहा है, सामने पुलिस पर गोली चला रहा है, सामने स्पॉट पर पकड़ा गया, उस ऐसे ऐसे अपराधी को तो काउंटर कर देना चाहिए। इसलिए कोई सरकार के दबाव में चाहे कोई के दबाव में नहीं प्रशासन बोलता है, तो सब तरह से प्रशासन को झेलना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि योगी मॉडल को बिहार में भी लागू किया जाना चाहिए? जो भी देखिए, जो भी मॉडल से रही है, जो भी मॉडल ठीक है, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। कोई बड़ा अपराधी चाहे छोटा अपराधी है, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा अपराधी को चक्कर में रहते हैं, पुलिस बड़े मछली के जा सब कोई चक्कर में रहता है और छोटी मछली अपना खा जाती है। वहाँ एक बड़ा अपराधी को मानने के लिए तो एक फेम तक गैंग तैयार कर, उससे बड़ा अपराधी बन गया जो मीडिया कर्मी के सामने लाइव चल रहा था, उसको सामने पुलिस के सामने, उसको तो पुलिस का चुनौती है, सरकार का चुनौती है, उसमें जाकर के ढुक करके तीन अपराधी ने हत्या कर दिया, सैकड़ों पुलिस है वहाँ, पूरा राज का पुलिस लगा हुआ था। इसलिए गलत चीज है, उसमें एक्शन लेना चाहिए, उसको तो वही तीनों अपराधी को इनकाउंटर कर देना चाहिए उसे तो। इसमें देखिए कुछ नेता कहीं हो जाता है, कम से कम ये हो जाता है, कोई विपक्ष कहे हमारा पक्ष कहे, चलो पक्ष कहे कुछ भी किया था ठीक है, नेता को ऐसा नहीं चाहिए, नेता सबके लिए बराबर है, इसमें बहुत गलत चीज है, उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए। भोजपुर लोजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि अब प्रतिनिधि हो या मुखिया हो या जो जन सेवक है, अपराधियों के रडार पर बने रहते हैं, उनके रहमो कर्म पर आप लोग अभी जीवित हैं। उनका मानना है कि यदि जब चाहे तब इस तरीके का कांड कर दे रहे हैं, यानी अब अपराधियों से तो डर तो है ही, सुरक्षा की मांग लगातार किया जा रहा है, ना तक किसी को कुछ मुहैया नहीं किया गया। देखिए मैं सुरक्षा के मैदान में सरकार फेलियर है, इसलिए सुरक्षा देना चाहिए सरकार को। ठीक है सुरक्षा नहीं देना चाहिए तो खुद मुखिया जब कर रहे हैं कोई भी कि हम मेरा आर्म्स के लाइसेंस दीजिए, अपना बाइक डेट सपोर्ट खातिर रखेंगे, कभी हमारा यथी पर काम किया, अजका हुआ जो क्राइम हुआ आराम में दिन दहाड़े लूट हुआ, जिसमें उसको सात पिस्टल था सीतम ने उस पीछे किए, जब वहाँ फोर्स था साथ में रह गया पाछा किए तो अपराधी थे रहना, तो घटना का स्थल पर इकल जाता अपराधी तो होता किसको कौन लूटा कौन नहीं लूटा जरूरी, उनको पहले लाइसेंस, इसमें क्या दिक्कत है, लाइसेंस है ये है नहीं है तो हम भी, कोई भी ऐसा है देश में किसका पास कौन ऐसा जिला है राज है कि जिसमें अवैध हथियार नहीं है, क्या है और उन्हें हथियार रहेगा आदमी रखेगा सुरक्षा के लिए, प्रशासन के भी सुरक्षा बढ़ेगा उससे, मानते हैं काम होगा। एक साल पहले भी मुखिया अमरावती देवी पर हमला हुआ था, उस समय भी वो जख्मी हो गई थी और अब जाकर फिर मुखिया पति की हत्या, उनके पति की हत्या होती है, तो देखिए दुखित घटना है,
पहले से रंजीत चल रहा है तो ए में प्रशासन को चाहिए कि कम से कम उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। पहले हम उसको चाहते तो सुरक्षा प्रदान कर देते, आज नैबत ना आता, कम से कम इतना तो अपराधी के भय रहता ना, देह में भय रहता, डर रहता कि कम से कम उनको भी आराम से कुछ करेंगे तो वो भी मार सकते हैं, डर बनता अपराधी को। आप अपने स्तर से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए हम तो कहेंगे कि हर एक मुखिया को यदि सरकार विफल हो रही है, सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, तो आरम्भ के लाइसेंस दे, कोई प्रतिनिधि हो मुखिया है दोनों का आरम्भ के लाइसेंस दे। इसमें सरकार भी बचत रहेगी, पुलिस की बचत होगी, कम से कम पुलिस पर कोई आंच नहीं उठाएगा ना।